मुझे लगता है उन सब के साथ यह घोषणा पत्र एक मजाक है। कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह उन्होंने अपने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पेज के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है और इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, कांग्रेस के समय में अविश्वास का जो वातावरण देश के अंदर बना था, यह देश उसे फिर पुनः माफ करने को तैयार नहीं है। देश की गरीब जनता के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सत्ता में वापसी के लिए बेचैन कांग्रेस पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे किए हैं। कुछ वादे तो ऐसे हैं जिनका पूरा होना लगभग नामुमकिन ही है। 55 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने आफ्सपा कानून हटाने, गरीबों को 72,000 रुपए और रोजगार देने से लेकर कई बड़े वादे किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादों की ऐसी फेहरिस्त है जिसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को 55 साल की नाकामियों का पत्र बता दिया। जो वातावरण देश के अंदर सुरक्षा का प्राप्त हुआ है, इन नीतियों के कारण स्थिति पैदा हुई है। इसलिए कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह आज वह ये जानती है कि कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आने वाली है। 2014 तक कांग्रेस की अराजकता, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के समय में अविश्वास का जो वातावरण देश के अंदर बना था, यह देश उसे फिर पुनः माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पेज के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है। देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का अपमान है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार हमला करते हुए इसे झूठ का पुलिंदा बताया। खिसियानी बिल्ली की तरह आज वह ये जानती है कि कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आने वाली है। 2014 तक कांग्रेस की अराजकता, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के समय में अविश्वास का जो वातावरण देश के अंदर बना था, यह देश उसे फिर पुनः माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पेज के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है। देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का अपमान है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ कांग्रेस की सरकार के समय की गई जो खिलवाड़ है, मुझे लगता है उन सब के साथ यह घोषणा पत्र एक मजाक है। योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को 72,000 रुपए देने के वादे पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया। विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, यह संकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और उसे साकार भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, यह एक छलावा मात्र है। मुझे लगता है यह देश की गरीब जनता के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। जो कांग्रेस अपने 55 वर्षों के शासनकाल में गरीबों का खाता नहीं खोल पाई, 72,000 रुपए देगी कहां से? श्री राहुल गांधी जी को इस बारे में पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये पैसा आप देंगे कहां से। कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने भेड़िए और भेड़ की कहानी का उदाहरण दिया। योगी ने कहा, इनके घोषणा पत्र पर और इनकी न्याय योजना पर मुझे एक छोटी बात याद आती है। एक बार भेड़िए ने भेड़ों से वादा किया कि आने वाले जाड़ों में सभी भेड़ों को कंबल बांटे जाएंगे। भेड़ों ने जब सवाल किया कि इसके लिए ऊन कहां से आएगा, तो भेड़िया सिर्फ मुस्कुरा दिया। गौर से देखें तो वही धूर्त और शातिर मुस्कान आज कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरे पर दिखेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर और क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। इस नेतृत्व का ये झूठ एक बार पुनः बेनकाब होगा और जनता जोरदार जवाब कांग्रेस नेतृत्व को और कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को देगी। यह देश अब झूठ और फरेब से नहीं चलेगा, यह देश परिश्रम से चलेगा
ईमानदारी से चलेगा और इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, ये देश उस पर गौरव की अनुभूति करता है और देश का हर नागरिक मोदी जी के नेतृत्व में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है, संकल्पित हो चुका है, उस संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ेगा। ये भी कहा गया कि आज अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। देखिए, कांग्रेस की 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने इस देश में शासन किया। देश की अर्थव्यवस्था की सबसे डावाडोल स्थिति उस समय थी और उस समय भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था किसी प्रकार से आ पाया था। विगत 5 वर्ष के दौरान भारत ने एक लंबी छलांग लगाई। आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है और याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सुधारवादी कदम उठे हैं, जिस ईमानदारी और जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर कार्य हुए हैं, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत को दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करेगा। अभी हाल ही में मिशन शक्ति के नाम पर भारत को दुनिया के अंदर जिस प्रकार से एक अंतरिक्ष की महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया, आश्चर्य होता है, पूरा भारत का हर नागरिक उस पर गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग से इस पर भी शिकायत की, यानी हर एक भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय जहां पर विपक्ष अपने आप को इन उपलब्धियों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो, उन्हें जनता वोट देगी क्या? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से है। आज भारत निवेश के लिए दुनिया में सबसे अच्छा गंतव्य बना है मोदी जी की नीतियों के कारण। स्पष्टवादी और ईमानदारी पूर्ण जो नीतियां देश के अंदर लागू हुई हैं, जो वातावरण देश के अंदर सुरक्षा का प्राप्त हुआ है, इन नीतियों के कारण स्थिति पैदा हुई है। इसलिए कांग्रेस खिसियानी बिल्ली की तरह आज वह ये जानती है कि कांग्रेस पुनः सत्ता में नहीं आने वाली है। 2014 तक कांग्रेस की अराजकता, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के समय में अविश्वास का जो वातावरण देश के अंदर बना था, यह देश उसे फिर पुनः माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने 55 वर्षों की नाकामी को 55 पेज के अपने घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है। देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का अपमान है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ कांग्रेस की सरकार के समय की गई जो खिलवाड़ हैं, मुझे लगता है उन सब के साथ यह घोषणा पत्र एक मजाक है। चौकीदार छुप सकता है, भाग नहीं सकता। देखिए, चौकीदार ने साबित किया है कि वो प्योर है और शेर है, लेकिन जो लोग देश के अंदर कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को, लोक सेवकों को चोर कह रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस के संस्कार हैं, उन लोगों के संस्कार हैं जिन्होंने देश के संसाधनों पर लूट खसोट करके देश को कंगाल करने का कार्य किया था। वही लोग आज चौकीदार को चोर बोलने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता इस अपमान का बदला अपना एक एक वोट मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को देगी और इस अपमान का बदला लेगी। 5 साल में बीजेपी ने नफरत फैलाया। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्ष का कार्यकाल इस देश के अंदर गौरवशाली कार्यकाल है। राजनीतिक अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना, आर्थिक संपन्नता और विकासोन्मुखी नीतियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सर्वांगीण विकास की जो कार्ययोजना पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव की दी। मोदी जी ने 26 मई 2014 को इस बात को कहा था कि हमारी सरकार की नीतियां इस देश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए होंगी। हमने देश की 130 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई, लेकिन विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। यह संकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है,
और उसे साकार भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए यह एक छलावा मात्र है, मुझे लगता है यह देश की गरीब जनता के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। जो कांग्रेस अपने 55 वर्षों के शासनकाल में गरीबों का खाता नहीं खोल पाए, वह 72,000 रुपए देगी कहां से? श्री राहुल गांधी जी को इस बारे में पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये पैसा आप देंगे कहां से, ये पैसा आएगा कहां से। और मोदी जी के नेतृत्व में 15 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से रोजगार की स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कार्यक्रम हुए। मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा देश के अंदर प्रदान की गई। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो सुविधा लोगों को प्राप्त हुई है, ये तमाम चीजें हैं जो हर एक क्षेत्र में गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को और समाज के प्रत्येक तबके को संपन्न करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं, अभिनंदनीय है, और देश की जनता इन सब का सम्मान करती है।